ये कहता है आइडेंटिकल चार्ज माइनस क्यू प्लेट इस इच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी। एक हम लोग के पास क्यूब है, चलो इसका साइड बी आपको दिया हुआ है, ये साइड बी है ऑलरेडी दिया हुआ है, हर एक कॉर्नर पे इसको हमने चार्ज रखा, ये जो कॉर्नर है हर एक कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा। अब कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं ठीक है क्यूब में, तो माइनस क्यू हर एक पे रखा, यहां पर भी मैंने माइनस क्यू रखा, सब पे मैंने माइनस क्यू रखा। अब कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब के सेंटर पे, ये है क्यूब का सेंटर, एक मैंने ले जाके प्लस क्यू रखा, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब दो चार्ज के बीच आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो आता होगा है ना, तो इस पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आसान है कर सकते हैं इसको। चलो ये चार्ज Q1 है और एक यहाँ पे चार्ज Q2 है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक पेयर के बीच K Q1 Q2 ओवर r, ये सबको आता है, ये क्या होता है एक पेयर के बीच। अब क्यूब है तो क्यूब एक यहाँ चार्ज है एक यहाँ चार्ज है, तो आठ चार्ज है तो कितने पेयर बना, आठ पेयर बना बराबर है, एक पेयर का निकाल दूं और आठ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक पेयर का मैं तभी निकाल पाऊंगा जब ये जो डायगोनल है, समझना ये डायगोनल निकाल लूं क्यूब का, तो ये क्यूब का डायगोनल कितना होता है, साइड बी है और ये भी बी है ये भी बी है, तो डायगोनल आ जाएगा क्यूब का, क्यूब का जो डायगोनल आ जाएगा वो रूट थ्री टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है, और यहाँ पर साइड कितना है रूट थ्री बी है, दिस इज द डायगनल ऑफ द क्यूब। अब जो एक चार्ज है वो डायगनल से कितनी डिस्टेंस पे, ये वाला जो चार्ज है डायगनल से आधे पे है, तो रूट थ्री बी बाई टू दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द एक चार्ज। तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख दूं माइनस के क्यू क्यू ओवर डिस्टेंस रूट थ्री B और by 2, this is the potential energy between the एक pair, और इस तरह से आपको आठ pair है, क्योंकि एक एक इसके साथ 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 पूरा आठ pair है, तो 8 से multiply कर दूँ, this is the final solution। अब इसको 4K को खोल दो, calculate कर लो, तो minus 1 upon 4 pi epsilon naught 8 multiplied by 2 और यहाँ से क्यू स्क्वायर और ये रूट थ्री और बी, इसको काट लो तो 4 2 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर और रूट थ्री टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, माइनस 4 क्यू स्क्वायर रूट थ्री टाइम्स माइनस 4। ये देखो ये कभी सही नहीं हो सकता यार, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में नहीं आ सकती यार, क्योंकि चार्ज एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस 4 रूट 3 क्यू स्क्वायर दैट इज सी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और कोशिश